please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. साथियों जब हम राइजिंग इंडिया कहते हैं तो पहला भाव अंधेरे से उजाले की ओर जाने का आता है हम जहां थे जिस स्थिति में थे उससे आगे बढ़ने बेहतर भविष्य की ओर जाने का भाव स्वाभाविक उभर करके आता है ये राइज करना उदय होना जब हम देश के संदर्भ में बोलते हैं तो उसका विस्तार बहुत व्यापक हो जाता है सवाल ये कि फिर राइजिंग इंडिया क्या है सिर्फ अर्थव्यवस्था की मजबूती राइजिंग इंडिया है सेंसेक्स का रिकॉर्ड स्तर पर होना ये राइजिंग इंडिया है विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर होना क्या ये राइजिंग इंडिया है या फिर रिकॉर्ड विदेशी निवेश आना ये राइजिंग इंडिया है साथियों राइजिंग इंडिया का मेरे लिए मतलब है देश के 125 करोड़ लोगों के स्वाभिमान का राइज होना देश के आत्मगौरव का राइज होना जब इन्हीं 125 करोड़ लोगों की इच्छा शक्ति एकजुट हो जाती है उनके संकल्प एक हो जाते हैं तो असाध्य भी साध्य हो जाता है असंभव भी संभव बन जाता है एकजुट हुई यही इच्छा शक्ति आज न्यू इंडिया के संकल्प को पूरा कर रही है भाइयों और बहनों बहुत से देशों में ये अवधारणा रही है कि सरकार विकास को परिवर्तन को लीड करे और नागरिक उसे फॉलो करे पिछले 4 वर्षों में भारत में हमने ये स्थिति बदल दी है अब देश का नागरिक सामान्य नागरिक लीड करता है और सरकार उसे फॉलो करती है